अपनी ओर। ये पूरी तरह गार्जियन का फेलियर है कि बच्चों के गतिविधि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुआ है जिसमें चार गिरफ्तारी हुई, लुटे के बाइक मोबाइल उसमें बरामद हो गया। इसमें छह लड़के जो सभी यंग हैं, हालांकि सभी बालिग हैं, शामिल पाए गए हैं। जिसमें चार की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से एक इंजीनियरिंग का छात्र है। इन लोगों के द्वारा कब अपराधी घटना को अंजाम दिया गया था सर, किस तरीके से ये लोग अपराध की दुनिया में आए? 21 तारीख को ये घटना घटी थी जिसमें छह लोग थे, तीन मोटरसाइकिल पर, और एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल और 7,000 रुपया उससे छीना गया था पिस्टल दिखा करके। ये युवाओं का गैंग जिसका पूर्व से कोई अपराधी का इतिहास नहीं है। मित्रों की एक मंडली जिसने अपराधी को योजना बनाई और इंजीनियरिंग के छात्र का वही पिस्टल दिया। ये यंग लोगों का टीम है जो कि गलत संकेत देता है कि ऐसे लोग भटके हैं, इसमें गार्जियन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, रात्रि में घूमते रहता है, इसी कारण से अपराध की घटना घटित किया। अपराधी सर तो इसके लिए चुनौती, ये गार्जियन के लिए चुनौती है, समाज के लिए चुनौती है, पुलिस तो चुनौतियों को स्वीकार करती ही। कोई लड़का जो पढ़ रहा है, अगर वो रात्रि में बाहर घूम रहा है, कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्जियन का 100% फेलियर है। आम अभिभावक से क्या अपील करना चाहिए? बिल्कुल है, अपने बच्चों की गतिविधि पर ध्यान देनी चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, रात्रि में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होता है, ये सभी को पता है। जब अपने अधिकार पता रहते हैं तो यही पता होना चाहिए कि सरकार का आदेश है। अभी लॉकडाउन 2 में कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे तक के, कर्फ्यू में कोई बच्चा बाहर घूम रहा है तो गार्जियन को सोचने की ज़रूरत है क्यों घूम रहा है। शादी ब्याह का जो बात है, जहाँ तक वहाँ 50 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो फिर क्यों बच्चा बाहर घूम रहा है? कोई कारण नहीं है कि बाहर घूमे रात्रि में। अगर बच्चा घूम रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप ही हैं जो इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।